हाय फ्रेंड्स, केम छो, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, मैं स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। तो बहुत दिनों के बाद मैं वापस ब्लॉग शूट करने जा रहा हूं और एक बहुत मेजर अपग्रेड आया अपने ब्लॉगिंग किट के अंदर। फाइनली मैंने अपना कैमरा अपग्रेड कर लिया है। मुझे बहुत लोगों ने बोला था आज तक आप जो भी ब्लॉग्स देखते थे वो शूट होते इसके अंदर, मेरे फ़ोन के अंदर सैमसंग M51 के अंदर। मैं फाइनली मैंने एक एक्शन कैमरा ले लिया है, GoPro Hero 11। होपफुली आप लोग को कैमरा क्वालिटी अच्छी लग रही रहेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझे बताएगा कैमरा क्वालिटी कैसी लग रही है। तो फाइनली एक साल के बाद आज गणपति बप्पा वापस आ रहे हैं हम लोग को दर्शन देने के लिए, हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए। मगर इस साल गणपति बप्पा हम लोग के घर पर नहीं आ रहे, हम लोग की सोसाइटी में आ रहे हैं। तो डेढ़ दिन बप्पा रहेंगे हम लोग के साथ, फुल लॉन धमाल होगा। और इस बार मैं फ्री भी हूं तो आपके लिए फुल ऑन वीडियो शूट करूंगा, प्लस सोसाइटी का है तो मेरे फ्रेंड्स भी रहेंगे, फुल पार्टी होगी, धमाल होगी, मस्ती मजाक होगा, गाना बजाना होगा। तो बने रहेगा वीडियो में, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बोलो गणपति बप्पा बोरिया, मंगल मूर्ति बोरिया। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं बप्पा के आगमन के लिए। टाइम हो रहा है अभी 10:45। पंडित जी ने हम लोग को 11 बजे का मुहूर्त बोला है, तो जस्ट हम लोग की बच्चा पार्टी यहाँ पे रेडी हो गई। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। हार्मनी का बप्पा गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए अपने बिल्डिंग में वापस अपने बप्पा के साथ में, और बप्पा को उनके स्थान पे विराजमान भी कर दिया है। बहुत ज़ोर से बारिश आई थी रास्ते में और बहुत ट्रैफिक था, ऑब्वियस रीज़न कि अभी मुहूर्त भी इसी टाइम के है, तो बहुत लोग यहाँ पे मूर्ति लेने इसी टाइम पे आ रहे थे। मगर फाइनली हम लोग पहुँच गए, थोड़ा लेट हो गया बारिश की वजह से, मगर ठीक है बप्पा अपने स्थान पर विराजमान हो गए। अभी कल सुबह में महाराज आएंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, उसके बाद बप्पा का मुख दर्शन कराएंगे। तब तक हम लोग भी जा रहे घर पर, सो जाएंगे, कल मिलते हैं सुबह में आपको, तब तक गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो वी आर ऑल सेट बापा की स्थापना पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए। जस्ट अभी टाइम हो रहा है 9:20। पंडित जी ने हम लोग को 9:30 का टाइम दिया था, तो थोड़ी देर में आने चाहिए। जैसे ही वो आते हैं, अंदर जाते हैं, बापा की पूजा करते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। मात की जय, कुल देवी मात की जय, गजानन गणपति महाराज की जय, नमः पार्वती पदये महादेव। विनायक प्रिया नित्यं त्वं स्वस्तिं भवन्तु नः, मन्त्राधा सफला सन्तु सन्तु पूर्णाम अनुदा शत्रुणां बोधिनाशतु मित्राणाम उदयस्तव।
तारी आरती उदारू पति दुकर ओम जय गणपति देवा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुर्गे सरावदंदम हरियारवींद भवम भवानी तो दोस्तों अपने पापा की स्थापना हो गई, स्थापना पूजा भी हो गई, छोटी सी आरती भी हम लोग ने कर ली। अभी सब दोस्त हम लोग बैठे हुए हैं, गप्पा गप्पा चल रहा है, बातें कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे, 12:30 को हम लोग फिर से आरती करेंगे, पापा को थाल धरेंगे। दोस्तों दोपहर की आरती हम लोग की हो गई। हम लोग के यहाँ पे एक प्रथा है, हम लोग जब भी गणपति बप्पा रहते हैं हम लोग प्रसाद के तौर पे अपने घर पे जो खाना बनता है वही हम लोग लेके आते हैं। देखिए यहाँ पे तो अभी उसके बाद हम लोग सब दोस्त गणपति उत्सव के टाइम पे यहीं पे खाना खाते हैं। जो प्रसाद रखा रहेगा वही हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो चलिए अभी जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद मिलते हैं डायरेक्ट आपको शाम को। दोस्तों हम लोग रूरल एरिया में जहाँ पे ज़्यादा पढ़ने की फैसिलिटी नहीं है, जैसे आदिवासी एरिया हो गया, वहाँ पे हम लोग ये डोनेशन ड्राइव करते हैं, एवरी ईयर करते हैं। लास्ट अप्रोक्सीमेट हम लोग 6 से 7 साल हो गए ये बुक डोनेशन ड्राइव चलाते हैं। और ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ बच्चों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, जो स्कूल आने के लिए उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, तो ये जो भी हम लोग डोनेशन करते हैं ये उस चीज़ के अंदर यूज़ होता है। अगर आप चाहते हैं हम लोग के साथ में ऐसी डोनेशन ड्राइव में जुड़ना तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आता रहेगा, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। एडिशनल डिटेल जो आपको चाहिए रहेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हेलो, जय जिनेंद्र, आप सभी को पर्युषण पर्व की हार्दिक बधाई, इच्छामि दुग्धम्। एक गुड इवनिंग दोस्तों, तो आज है अपना डे 2 गणेशोत्सव का। डे 2 का मैंने मॉर्निंग आपको कुछ दिखाया नहीं क्योंकि सेम आरती ही आपको देखने मिलती थी। फिलहाल टाइम हो रहा है शाम के 6, थोड़ी देर में अपने बापा का विसर्जन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, बहुत खुशी भी है कि बापा हम लोग के साथ 1.5 दिन रहे, और दुख भी इस बात का है कि बापा आज अपने घर चले जाएंगे। हर साल हम लोग अपनी सोसाइटी में इको फ्रेंडली गणपति ही लाते हैं और उनका विसर्जन भी हम लोग की सोसाइटी में ही करते हैं। आइए आपको थोड़ा सा सेटअप दिखाता हूँ। लास्ट टाइम भी दिखाना चाहता था मगर मेरे घर पर गणपति थे तो मुझे उतना टाइम नहीं मिला। इस बार मैं थोड़ा फ्री हूँ तो आपको दिखाता हूँ हम लोग कैसे विसर्जन का सेटअप करते हैं अपने सोसाइटी के अंदर। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों ये है हम लोग का सेटअप गणपति विसर्जन के लिए जो हम लोग हर साल करते हैं। ये बच्चे लोग का जो स्विमिंग पूल का ट्यूब आता है वो है, जिसके ऊपर हम लोग ने ताड़पत्री डाल के ऊपर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से नीचे अगर ट्यूब में बापा की मूर्ति में से कुछ लगे तो हवा ना निकल जाए उसके लिए।
और ये टोटली 10 फुट का है। तो हम लोग कम से कम 4 से 5 मूर्ति हर साल इसमें विसर्जन करते हैं। इस ऐसा अगर सेटअप चाहे तो आप भी आपकी सोसाइटी में आपके घर पे कर सकते हैं, बहुत इजी है। और इसके बाद यहाँ पे सब अंदर डालेंगे, फूल और गुलाल आ जाएगा। और बापा की मूर्ति विसर्जन करने के बाद दूसरे दिन जो मट्टी रहती है वो हम लोग यहाँ पे अपने सब गार्डन में डालते हैं। तो हमारे बापा हम लोग के साथ में 365 डेज अपनी सोसाइटी में रहते हैं। चलिए अभी जाते अंदर, महाराज ने उठापन कर दिया है और विसर्जन की तैयारी करते हैं। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति।
बापा का विसर्जन हो गया। होपफुली आप लोगों को ब्लॉग में मजा आया रहेगा। अगर मजा आ रहेगा एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोलो गणपति बापा, मंगल मूर्ति, पुढच्या वर्षी।